प्रियो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा उत्पत्ति उसका 37 चैप्टर और उसकी 5 से लेकर 11th वर्स तक, 5 से 11 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, जब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यौ वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे ढहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। प्रियो, हम सब ने इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, हमने कल भी इस वचन से बहुत सी बातों को सीखा था। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्वप्न दिखाया, जिस स्वप्न में ये दिखाया गया कि परमेश्वर कैसे यूसुफ को सबके ऊपर रखेंगे, अपने भाइयों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अर्थात परमेश्वर उसे एक ऊंचा स्थान पर रखेंगे। पर जब हम इसी के एक अध्याय के बाद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है कि यूसुफ को उसके भाइयों द्वारा गड्ढे में डाल दिया गया, उसके ऊपर वो सारी विपत्तियां आने लगी जो परमेश्वर ने उसे स्वप्न में नहीं दिखाई थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में अद्भुत बातें दिखाई थी, है ना, उसे ये दिखाया था कि वो जो 7 तारे हैं या बाकी सब लोग हैं सब उसे दंडवत करेंगे, वो ऊंचे पर ठहराया जाएगा। पर प्रभु ने उसे कहीं पर भी ये नहीं बताया था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा कि उसके भाई उसे गड्ढे में डाल देंगे या उसे बेच डाला जाएगा या फिर वो दास के रूप में ठहरेगा या और भी बहुत सारी बातें जो यूसुफ के जीवन में घटी। हम सब जानते हैं उन सारी बातों को जो यूसुफ के जीवन में हुई, जिन परेशानियों से, जिन परिस्थितियों से वो गुजरा। और जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मैं बस प्रभु से यही पूछने लगी कि प्रभु ऐसा क्यों है, मतलब कितनी अद्भुत बात है, आपने उससे वंडरफुल प्रॉमिस किया है, आपने उसे एक बात बताई है कि मैं तुझे ऊँचे पर ठहराऊँगा, पर आपने कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया कि ये परेशानियाँ विपत्तियाँ भी तुझ पर आएगी। अगर प्रभु चाहते तो प्रभु स्वप्न में उसे ये भी बता सकते थे, है ना, जो परमेश्वर उसे ये बता सकते हैं कि तू ऊँचा करा जाएगा, वो परमेश्वर उसे ये भी बता सकते थे कि ये परेशानियाँ ये विपत्तियाँ भी आएंगी। पर प्रभु आपको और मुझको क्या सिखाना चाहते हैं आज की शाम में? प्रभु जब हमें कुछ प्रोमिसज देते हैं, परमेश्वर जब हमें कोई ड्रीम्स देते हैं, स्वप्न देते हैं या प्रोफेसीज देते हैं, कई बार बहुत सी चीज़ें हिडन होती हैं, है ना, कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो प्रभु हम पर प्रकट नहीं करते। यहाँ पर भी यूसुफ के ऊपर प्रकट नहीं किया गया उस वक्त में, उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाया गया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, प्रभु ने हमारे लिए प्रोफेसी की कि परमेश्वर हमें दास दासी के रूप में इस्तेमाल करेंगे या प्रभु हमें सक्सेसफुल बनाएंगे, प्रभु ब्लेसिंग्स देंगे, पर कई बार बहुत सी चीज़ें हमें नहीं बताई जाती। और जब प्रोफेसीज होती हैं, हमें कहा जाता है कि हम बड़ी सेवाओं को करेंगे, हम ब्लेसिंग्स के वारिस ठहरेंगे, और भी बहुत सारी प्रोफेसीज जो होती हैं या जो प्रोमिसेस वचन में हैं, जो ब्लेसिंग्स इस वचन में दी गई हैं, पर होता क्या है, इन प्रोफेसीज को रिसीव करने के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि उनके जीवन की परेशानियाँ और बढ़ गई, है ना, हुआ है ऐसा किसी के साथ कि किसी दास दासी ने आपके लिए अद्भुत प्रोफेसीज करी, आपने उसे रिसीव करा पूरे फेथ के साथ, पर उसी के बाद धीमे धीमे परेशानियां आने लगी। होना तो ये चाहिए था कि ब्लेसिंग्स आती, होना तो ये चाहिए था कि जो प्रोफेसीज हुई थी वो पूरी होनी चाहिए थी, पर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ। प्रभु बहुत महान है ना, वो सारी चीज़ें सारे प्लान्स को हमें एकदम से रिवील नहीं करते, सारी प्रोसेस को एकदम से रिवील नहीं करते हैं प्रभु, कुछ चीज़ों को हिडन रखते हैं, छुपा कर रखते हैं हमसे, क्योंकि वो हमें टेस्ट करना चाहते हैं
कि जो प्रॉमिसेस प्रभु ने हमें हमसे करे, जो ड्रीम्स प्रभु ने हमें दिखाए, हम कितने उन ड्रीम्स के प्रति ईमानदार रहेंगे, हम कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति, कि परमेश्वर जो कुछ कह रहे हैं अगर उसके विपरीत भी हमारे साथ हो रहा है तब भी क्या हम उसके साथ बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। हालेलुया। प्रिय प्रभु चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास रखें, हम उसके साथ ठहरे रहें। उसने जो प्रोमिसेस किए हैं वो उसे पूरा रखने की सामर्थ्य रखता है। हम पढ़ेंगे एक और जगह से, जब हम उत्पत्ति उसका 39 चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी सेकंड वर्स पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। कहा क्या गया था कि तू स्वामी बनेगा, है ना, तू सबसे ऊंचा ठहरेगा। पर यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ को ही दास के रूप में ठहरा दिया, वो अपने स्वामी के घर में रहता था, उस स्थान पर रहकर वो भाग्यवान पुरुष हुआ। प्रभु महान है। प्रभु कह क्या रहे थे पहले, स्वामी बनेगा, पर हो क्या रहा है उसके साथ, वो सेवक बन गया है। पर पता है अद्भुत बात क्या है कि यूसुफ को जब वो दास के रूप में ठहरा दिया गया तब भी वो ईमानदार रहा, वो भूला नहीं उस प्रॉमिस को जो परमेश्वर ने उससे किया था, जो ड्रीम उसे दिखाया था। वो कह सकता था, कुड़कुड़ा सकता था, पर परमेश्वर के वचन में अद्भुत बात लिखी है, वो लिखी है कि यहोवा उसके संग था, इसलिए वे भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रभु सिखाना मांगते आपको और मुझको कि उसके उस प्रोसेस को, उस प्लान को होने में टाइम लगेगा, उस प्रोसेस में आप विश्वास योग्य रहिए। प्रभु ने किसी भी काम करने का एक प्रोसेस ठहराया है। परमेश्वर एकदम से हमें ऊँचे पर नहीं ले जाते। पता है क्यों नहीं ले जाते, क्योंकि अगर प्रभु एकदम से ऊँचे पे हमें लेके जाएंगे तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, है ना, हम पेशेंस रहना नहीं सीखेंगे, बहुत सी कमियां हमारे भीतर आ जाएंगी। क्योंकि जो लोग एकदम से ऊपर छलांग लगाते हैं, एकदम से ऊपर हाइट्स पर पहुंच जाते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं। पता है यूसुफ बहुत बहुत अद्भुत है, वो प्रभु से कोई शिकायत नहीं कर रहा। प्रॉमिस किया गया था कि स्वामी बनेगा, पर दास बनकर भी ईमानदार है, यहोवा के संग है, उसने साथ नहीं छोड़ा। उसने ये प्रभु से नहीं कहा कि प्रभु तूने प्रॉमिस तो कुछ किया था, ड्रीम्स कुछ दिखाए थे और मैं बन यहाँ पे दास गया हूँ। वो यहोवा उसके संग था। पता है क्यों संग था, क्योंकि यूसुफ भी परमेश्वर यहोवा के संग था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सिखाना मांगते आपको और मुझको कि आपके लिए जो कुछ भी प्रोफेसाइज किया गया है, जो सारी बातें परमेश्वर ने आपके लिए कही हैं, लिखी हैं वचन में, सारे प्रोमिसेस प्रभु पूरे करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर आपको उस प्रोसेस के थ्रू जिसके वो लेकर जा रहा है आपको, उसमें आपको ईमानदार बने रहना है, आपको उसमें विश्वास योग्य बने रहना है। और तब आप जिस भी स्थान पर प्रभु रखेंगे, हो सकता है प्रभु ने आपसे कहा हो कि आप अद्भुत सेविकाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे यूसुफ को प्रभु ने दास के रीति पर ठहराया, प्रभु हो सकता है आपको भी किसी के अंडर रखें, किसी की ट्रेनिंग में रखें, किसी के अधीन दास के रूप में रखें, और आपको वहां पर भी ईमानदार रहना होगा, उस स्थान पर भी ईमानदार रहना होगा, तब प्रभु आपको बरकत देंगे जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को दी। लिखा है कि वो भाग्यवान पुरुष हो गया क्योंकि वो यहोवा के संग था और यहोवा उसके संग थे। जब हम इसी अध्याय की 39 चैप्टर की 21 वर्स को पढ़ते हैं, 21वें पद को पढ़ते हैं, यहाँ भी लिखा है कि पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने उसे कहीं पर भी नहीं छोड़ा, और वो सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि परमेश्वर वायदों का सच्चा है। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते। परमेश्वर ने जो कुछ भी हमसे प्रॉमिस किया है, परमेश्वर उसे करेंगे। पर इससे पहले कि प्रभु उन सारी चीज़ों को हमें दे, इससे पहले कि हमें वो ऊंचा करे, परमेश्वर हमें नम्र होना सिखाते, हमें दीन होना सिखाते। प्रभु कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रख, मैं करके दूंगा। भले अभी तू दास बन गया है, भले अभी तुझे बंदी गृह में जाना पड़ रहा है, भले अभी तुझे बहुत सारा विरोध सहना पड़ रहा है, बहुत सारी परेशानियां तेरे जीवन में आ रही हैं, पर प्रभु कहते हैं कि एक समय आएगा जब वो आपको ऊंचे पर रखेंगे। एक समय आएगा जब परमेश्वर उन सारी बातों को पूरा कर देंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 105 और उसका 17, 18 और 19 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था,
लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया। हालेलुया। किस पेन से जा रहा है ना यूसुफ, ये सारी चीजें तो कहीं भी नहीं दिखाई गई थी उसे उस सपने में। परमेश्वर ने नहीं बताया था, परमेश्वर ने उसे एक अच्छा स्वप्न दिखाया था, अच्छी बातें प्रभु ने उससे कही थी, पर यह उल्टा हो रहा है। लिखा है कि लोगों ने उसके पैरों में साकलें डाली, उसे परेशान करा, उसके ऊपर बहुत विपत्तियां आई। और 19 आयत जो मुझे बहुत ब्लेस करती है वो लिखी है इस प्रकार से कि जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया। क्या लिखा है कि जब तक कि वो बात जो परमेश्वर ने नहीं कही थी पूरी नहीं हुई तब तक परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। प्रिय प्रभु सिखाना मांगते, अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है परमेश्वर उस बात को पूरा करेंगे, क्योंकि वो विश्वासी हो गए, वो ईमानदार है, वो अपने शब्दों का पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब तक वो बात पूरी नहीं हो जाएगी परमेश्वर आपको और मुझको कसौटी पर कसते रहेंगे, अर्थात परमेश्वर मुझे और आपको उन परीक्षाओं में लेकर चलेंगे, उन सारी चीज़ों से परमेश्वर हमें लेकर चलेंगे। प्रभु हमें स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रभु हमें परखेंगे कि हम कितने विश्वासी हो गए हैं, प्रभु हमें परखेंगे कि हम हर सिचुएशन में क्या उसका हाथ थामे हुए हैं। हो सकता है परमेश्वर ने आपके जीवन में इस वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हों जो आपको पसंद नहीं आ रही हों, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हों, जो आपके जीवनों के हालातों को और ख़राब कर रही हों। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदलें, आप चाहते हैं कि वो वायदे जो प्रभु ने रखे हैं वो पूरे हों, आपको ईमानदार रहना, आपको इसका हाथ थामे रखना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, चाहे कितना विरोध क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना विरोध करे, चाहे आपको कितना भी दुख सहना पड़े जैसे यूसुफ को सहना पड़ा था, दास की रीति पर आ गया था, हम्बल था, सब कुछ था, सारी चीज़ें वो सहता गया क्योंकि परमेश्वर के साथ बना हुआ था। और प्रभु मुझे और आपको बस यही सिखाना मांगते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, हमें ईमानदार रहना है। परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, है ना, प्रभु ने कहीं प्रॉमिस किया है क्या कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? पूरे वचन में प्रभु ने कहीं नहीं कहा था, कहीं नहीं कहा कि परेशानियाँ नहीं आएंगी, है ना, तकलीफें नहीं आएंगी, आएंगी, है ना, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर परमेश्वर हमें उन प्रॉब्लम से निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। हो सकता है प्रभु ने आपके लिए जो प्रोफेसीज की हैं वो अभी आपको पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, यूसुफ को भी नहीं दिखाई दे रही थी, आप और मैं जब वचन पढ़ेंगे हमें भी पूरी होती हुई नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि प्रॉमिस कुछ और था पर हो कुछ और था, ड्रीम कुछ और दिखाया गया था, होता हुआ कुछ दिख रहा था। ऐसे समय पर हो सकता था यूसुफ अपने हिम्मत को खो देता, वो परमेश्वर से सवाल करता, प्रभु तूने कहा तो कुछ और था और ये हो कुछ और रहा है, पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। और आपको और मुझको भी ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी और उससे पहले से 2-3 वर्ष पहले से प्रभु ने कुछ प्रोफेसीज को किया, मेरे लिए भी किया, हम सब जितने यहाँ लोग हैं हम सबके लिए किया, पर पता है वो प्रोफेसीज करने के बाद प्रभु ने बहुत अद्भुत बातों को अपने दासों के द्वारा बोला, पर वो प्रोफेसीज तब पूरी नहीं हुई, एकदम से पूरी नहीं हुई। पता है 4 वर्ष हो गए हैं, प्रोफेसीज फर्स्ट वर्ष से भी पहले की गई थी जब हम इस मिनिस्ट्री का पार्ट बने थे, है ना, तब प्रभु के दास ने प्रोफेसीज को किया था, पर हम 4 वर्ष तक ठहरे रहे और अभी भी ठहरे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, जो प्रोफेसीज हुई है प्रभु उसे और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और इनक्रीज करेंगे। आपको होता है 4 वर्ष हम ठहरे रहे और प्रभु इस वर्ष से उन कामों को कर रहे हैं। हालेलुया, मेरी टीम जानती है, हम सब जानते हैं, हम 4 वर्ष ठहरे रहे प्रभु के दास के साथ, उनकी अधीनता में ठहरे रहे, जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर के दास ने हमें कहा हम वैसा वैसा करते गए। ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, जब प्रोफेसीज हुई बड़ा आनंद मिला, बड़ी खुशी हुई सुनने में कि प्रभु ऐसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे, पर पता है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद परेशानी आई, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, बहुत सारा विरोध सहा, बहुत बार टूटे, बहुत बार परेशान हुए, पर हर वक्त परमेश्वर को थामे रहे, विश्वास में बने रहे, क्योंकि हम जानते थे कि जब प्रभु ने कहा है प्रभु करेंगे, एकदम से कुछ नहीं हुआ। प्रभु आप सबसे बस इतना ही कहना मांगते कि अगर आपको एकदम से वो पूरी होती हुई ना दिखें, आप घबराइएगा मत, आप डरिएगा मत, जैसा यूसुफ नहीं डरा,
वो बना रहा परमेश्वर के साथ, वो ईमानदारी से प्रभु के साथ चलता रहा। प्रभु ने जिस स्थान पर उसे रखा वो स्थान पर ठहरा रहा, ईमानदार रहा। प्रभु कहते आप भी ऐसे ही बने रहें। उसने कंप्लेन नहीं की, प्रभु ने दास की रीति पर ठहराया उसको, वो दास की रीति पर ठहर गया। प्रभु ने जैसा जैसा उसके साथ करना चाहा वैसा वैसा उसने किया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। पता उसके लिए अद्भुत बात क्या थी, उसे इस बात का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रोफेसी क्या हुई है, कब पूरी होगी। उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यहोवा उसके साथ था। हालेलुया। हम सब के लिए, आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, प्रोफेसीज भले अभी फुलफिल होती हुई ना दिख रही हो, ब्लेसिंग्स आती हुई ना दिख रही हो, वो सारे प्लानिंग्स जो हमने करी हैं, जो प्रभु ने हमारे लिए प्लान्स रखे हैं, अभी होते हुए ना दिख रहे हों, पर फिर भी हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। हालेलुया। और पता है जब आप ऐसा करेंगे तब अद्भुत होगा, जब आप उसके साथ ईमानदारी से बने रहेंगे, उसके साथ ठहरे रहेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 105 20 और 21 वर्स, वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। हालेलुया। क्या लिखा है यूसुफ के बारे में कि एक समय था जब तक कि परमेश्वर का वचन उसे कसौटी में कसता रहा, अर्थात परमेश्वर उसे उन सारी चीज़ों में, उस पूरे प्रोसेस में लेकर चलते रहे, उसको नम्र बनाते रहे, दीन बनाते रहे, बहुत सारी चीज़ों से परमेश्वर ने उसे गुजारा। पर पता है एक समय आया और वो समय ये है कि परमेश्वर ने राजा के दूत भेजकर उसे निकलवा लिया देश देश के लोगों के स्वामियों से। आप सोच कर देखिए कितनी खूबसूरत बात है ये। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। वो व्यक्ति जो दास के रूप में था, वो व्यक्ति जो बंदी गृह में था, परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ, पहले परमेश्वर उसे तैयार करते रहे, उसे कसौटी पर कसते रहे, उसे उस पूरे प्लान के लिए, उस पूरी अथॉरिटी के लिए जो प्रभु उसे देने पड़ते, उसके लिए प्रभु उसे प्रिपेयर करते रहे, उसे तैयार करते रहे। और जब वो तैयार हो गया, जब प्रभु को लगा होगा हाँ मेरा दास अब बिल्कुल तैयार है, वो तैयार है उस अथॉरिटी को लेने के लिए, वो तैयार है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, तब परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने राजा के दूत को भेजकर उसे उस बंदीगृह से निकलवा लिया। परमेश्वर ने देश देश के स्वामियों से, ऐसे छोटे मोटे लोगों से भी नहीं, हालेलुया, छोटे मोटे लोगों से नहीं, बड़े लोगों से, जो बड़ी अथॉरिटीज पर बैठे थे, राजा का दूत था, बड़े बड़े देश के स्वामियों से परमेश्वर ने उसे निकलवा लिया। और एक और बात लिखी है, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, जब आप उसकी उन सारी ब्लेसिंग्स पर अंत तक भरोसा रखे रहेंगे, तब परमेश्वर आपको भी, जैसे उसने यूसुफ को इन प्रधानों के द्वारा निकलवाया, इन प्रधानों के द्वारा छुड़ा लिया, प्रभु आपको भी छुड़ाएगा, प्रभु आपको स्थान पर उस प्रॉमिस किए हुए चीज़ों को पूरा करके देगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? मैं निश्चय जानती हूँ कि आप आनंदित हैं, क्योंकि मैं ये जानती हूँ परमेश्वर ने आप में से हर एक जीवन के लिए उन प्रोमिसेस को रखा है, उन प्रोफेसीज को की है। हो सकता है चीज़ें पूरी होती हुई ना दिखाई दे रही हूँ, हो सकता है कि आपका विश्वास आज की शाम तक कहीं ना कहीं डगमगाया हो, या फिर आप उन प्रोफेसीज को भूल गए हों, उन प्रोमिसेस को भूल गए हों, पर प्रभु कहते कि सब कुछ स्मरण रखो और सबसे ऊपर मुझे स्मरण रखो, मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ ठहरे रहो, मेरे साथ ईमानदार रहो। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आपका, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, आपकी दया के लिए प्रभु, आपके उन सारे प्रोमिसेस के लिए परमेश्वर, आपकी प्रोफेसीज के लिए प्रभु, जो आपने अपने दास दासियों के द्वारा प्रभु हम सबके जीवनों में करी है। हम जानते हैं प्रभु आपका हर एक वायदा सच्चा है परमेश्वर, आपकी हर एक बात सच्ची है प्रभु, जो कुछ आपने हमसे कहा है प्रभु आप उसे पूरा करने की सामर्थ रखते हैं, ऐसे प्रभु आपने अपने दास यूसुफ के जीवन में करा परमेश्वर, आपने राजाओं को खड़ा करा परमेश्वर, आपने बड़े बड़े देश के स्वामियों से परमेश्वर उसे ऊंचे पर ठहरवाया प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए भी ऐसा करने पर हैं परमेश्वर। हो सकता है आज तक हम कमज़ोर महसूस करते आए हों, हो सकता है हम भूल गए उन सारी बातों को, पीड़ा इतनी बढ़ गई हो कि हम सारी चीज़ों को भूल गए, पर प्रभु हम जानते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हमें सब कुछ याद दिलाया है, आपने हमें रिस्टोर करा है परमेश्वर, आप हमें रिस्टोर कर रहे हैं, अपनी सामर्थ से भर रहे हैं, उस आनंद से भर रहे हैं प्रभु, जो आपने उस समय दिया था प्रभु जब हमें वो ब्लेसिंग्स रिसीव हुई थी, जब हमें वो प्रोफेसीज रिसीव हुई थी परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। परमेश्वर मैं इन सबको प्रभु
आपके अनुग्रह में छिपाती, चाहती परमेश्वर अब से ये आपके साथ और ईमानदारी से चलें, आप में ठहरे रहें परमेश्वर, आप में विश्वास योग्य बने रहें प्रभु, आपके संग संग चलें प्रभु, दिन प्रतिदिन प्रभु ये वो करते जाएं परमेश्वर जो आप इनसे चाहते कि ये करें प्रभु, जिस भी स्थान पर आपने इन्हें रखा है परमेश्वर, ये उस स्थान पर ईमानदार रहें, विश्वास योग्य रहें प्रभु, जैसा आपका दास यूसुफ था प्रभु। परमेश्वर वो उस दास के रूप में भी ईमानदार रहा और आपने उसे ब्लेस किया, प्रॉमिस परमेश्वर स्वामी होने का था, लेकिन फिर भी प्रभु जब आपने उसे दास बनाया तब भी वो ईमानदार रहा प्रभु, चाहते कि हम भी परमेश्वर आपने जो चीज़ें हमारे लिए प्रॉमिस करी हैं प्रभु, अगर वो वैसी इस वक्त होती नहीं दिखाई दे रही हैं, आपने हमें किसी के नीचे रखा है परमेश्वर, किसी प्रोसेस में प्रभु आपने हमें रखा हुआ है परमेश्वर, सारी बातें अगर आपने हमें रिवील नहीं करी प्रभु, जैसे आपने यूसुफ को नहीं की थी, चाहते प्रभु कि हम आप पर विश्वास करने पाएँ, हम इस बात पर विश्वास करने पाएँ कि यहोवा सच्चा है, उसका हर एक वायदा सच्चा है। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती, इन्हें ब्लेस करती परमेश्वर, और चाहती हूँ प्रभु कि वो सारी चीज़ें प्रभु शीघ्रता से इनके जीवन में पूरी हों प्रभु, और ये आपके साथ बने रहें। हर एक बात में आदर और महिमा आपको देती और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमेन।